धूप में जलता है, लेकिन कुछ कंपनियां अपनी लापरवाही से खेत खेती और खेतीहर का दम घोट रहे हैं। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड चंदेरिया लेड जिंक स्मेल्टर प्लांट से निकली गैस ने किसानों के सपनों को तबाह कर दिया है। गैस रिसाव के बाद शनिवार को प्लांट के सामने धरना प्रदर्शन भी हुआ। रविवार को फर्स्ट इंडिया ने जब प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया तो दिल दहलाने वाला मंजर सामने निकल कर आया। क्या है पूरा मसला, इस खास रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। ये खेतों में खड़ी फसल आप जो देख रहे हैं, ये मंजर है चित्तौड़गढ़ जिले के गांव मूंगा का खेड़ा के खेतों का। वेदांता समूह के हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड चंदेरिया लेड जिंक स्मेल्टर प्लांट से निकली गैस से बर्बाद हुई फसलों का। ये मंजर सिर्फ गांव मूंगा का खेड़ा के खेतों में खड़ी फसलों का ही नहीं है, बल्कि चंदेरिया लेड जिंक स्मेल्टर प्लांट के आसपास 4 किलोमीटर के दायरे में फैले गांव बिलिया नगरी अजोलिया का खेड़ा राउतों की चौकी सालेरा सुरजना सहित दर्जनों गांव का ऐसा ही मंजर है, जहां गेहूं बाजरा गन्ना रजका और सब्जियों की फसल गैस के प्रभाव से सूख गई है। किसानों ने शनिवार को चित्तौड़गढ़ के पुठौली में स्थित वेदांता समूह के हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड चंदेरिया लेड जिंक स्मेल्टर प्लांट का गेट बंद कर प्रदर्शन भी किया था। इसके बाद गंगरार तहसीलदार नरेश गुर्जर ने जिंक प्रबंधन के हवाले से इस बात की पुष्टि की थी कि जिंक प्लांट से गैस का रिसाव हुआ है और प्रबंधन किसानों को मुआवजा देने के लिए लिखित में समझौता भी किया है। लेकिन जब धरातल पर पहुंचकर फर्स्ट इंडिया की टीम ने उन खेतों को देखा जहां खेतों में खड़ी फसलें पूरी तरह बर्बाद हो गई हैं, तो मौके पर मौजूद किसानों का दर्द छलक पड़ा, क्योंकि गांव मूंगा का खेड़ा में करीब 1,000 बीघा भूमि पर खड़ी फसल बर्बाद जो हो गई है, जबकि यही हाल दूसरे गाँव का भी है। सुबह महसूस भी माने जो छिंका भी चल रही, खांसी गड़ो जलो भी बढ़ियो और जो कांकड़ में आ जाए जल्दी महसूस हुआ, और जो मकान में अंदर है वन थोड़ी देर में महसूस हुआ, फिर महसूस हुआ, फिर कूड़ा खेत पर आया एक दो बजे लगभग धीरे धीरे असर बताता बताता आया तो सब गाँव जले हुए मिले। नुकसान तो सर कम से कम 1,000 बीघा में हुआ, कम से कम लगभग सब मूंगा खेड़ा गांव के अंदर ही ये देखो, और सबसे ज़्यादा नुकसान ये देख लो फसल आप सामने दिख रही है, इसमें तो दो राय नहीं। अगर एक किसान अगर आज खेती करे 10,000 बीघे के हिसाब से उसमें खर्चा लग रहा है उस कम से कम, तो वो क्या कमाएगा? बहुत दुखी हाँ, गैसों बहुत दुखी हाँ, बहुत जिन लागू जिन बहुत दुखी हाँ, अपना ये ज़्यादा है ये ज़्यादा दुख हो रही हूँ, मैंने रोकड़ों लगा जानवरों लगा मनकाऊँ लगा हर बात। तो कह रहे हैं कि हम लोगों ने कल धरना दिया है गाँव वासियों ने, तो तहसीलदार साहब और हमारे प्रधान प्रतिनिधि ने हमें आश्वासन दिया है कि हिंदुस्तान जिंक से हमने लिख के ले लिया है कि 7 दिन में फसलों का वो पटवारी से पता करके भी कितना नुकसान हुआ है नहीं हुआ है उसके बारे में रिपोर्ट तैयार करके उसके अकॉर्डिंग मुआवजा देने की बात तो कहे कर रहे हैं, लेकिन हमें नहीं लगता है कि ऐसा कुछ हो पाएगा हमारे किसानों के साथ। हिंदुस्तान जिंक के चंदेरिया लेड जिंक स्मेल्टर प्लांट से निकली गैस के मंजर से घरों में काम करने वाली महिलाएं भी दहशत में हैं। महिलाओं का कहना है कि प्लांट से निकली गैस का प्रभाव न सिर्फ उनके खेतों में खड़ी फसलों पर हुआ बल्कि वो भी बीमार हो गई हैं। नेम जल गया, रजगा है तो ये जल गया, गाँव है तो ये जल गया, ये सब जल गया हमारे। ये नुकसान हुआ कैसे? ये जिंकी तरफ हुआ, जिनकी गैस आई सुबह 25 तारीख ने सुबह 10 बजे 10:30 बजे गैस आई, तो हमारा छोरा छोरी भी उल्टियां करिया, मैं भी उल्टियां करी, नाक बढ़ गड़ो बढ़ अनिया पार्टी ने इन्हें भी बुलेट आ गयो, लेरुबा डॉक्टर आया अगेशन दवाया। हिंदुस्तान जिंक माँ के बहुत खतरा कर दिया, मैं दुखी वे रही हिंदुस्तान जिंक के बेस कही जो यो माँ के फसल में सब फसल नुकसान वेगी, अब मन कौन देगा? ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान जिंक के प्लांट से गैस रिसाव की सूचना प्रशासन के पास नहीं हो। कल जिस तरह से जिंक प्लांट के बाहर धरना प्रदर्शन हुआ और जिंक प्रबंधन ने आरण फानन में अपनी गंभीर चूक को छिपाने के लिए लिखित में समझौता कर मुआवजा देने की बात कह दी, लेकिन जब हमने जिंक प्रबंधन के नुमाइंदों से बात करने की कोशिश की तो किस तरह से जिंक के नुमाइंदे कैमरा देख कर निकाट गए वो भी जरा आप देख लीजिए। इसलिए इस बात का अभी भी किसानों को अंदेशा है कि पता नहीं कि कब जिंक प्रबंधन फसल खराब होने का मुआवजा देगा या फिर देगा भी नहीं। मैं नहीं दे पाऊंगा ठीक जैसे इस प्रकार के आरोप लग गए हैं, बाइट नहीं दे पाऊंगा मैं, सॉरी विनती हाथ जोड़ के विनती है उससे, मैं बाइट नहीं दे पाऊंगा। हमारी तरफ से जो अधिकारी का इसके लिए अधिकृत है वो आपको बाइट दे देंगे, मैं बोल देता हूँ, 2 मिनट में अभी आ जाता हूँ ठीक। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जिला प्रशासन भी गंभीर हो गया है और गंगरार SDM मुकेश मीणा की अध्यक्षता में एक टीम का गठन किया गया है। टीम में कृषि विभाग के अधिकारियों को भी शामिल किया गया है।
फसल खराबे का सर्वे कर टीमें 7 दिन में अपनी रिपोर्ट प्रशासन को देंगी। हालांकि एडीएम मुकेश कलाल का कहना है कि प्रशासन पूरे मामले की जांच कर रहा है, जांच रिपोर्ट आने के बाद दोषियों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। नहीं, अगर दोषी अगर किस प्रकार से कोई सेफ्टी सिक्योरिटी में अगर कोई त्रुटि हुई है तो निश्चित रूप से एक्शन लेंगे, हमेशा ले रखा हमने। पहले भी इस प्रकार के जहाँ पे हुई होगी हमने हमेशा एक्शन लिया है और उसके सेफ्टी सिक्योरिटी को हमने सुनिश्चित किया है, पाबंद किया है। इसके जो भी कारक है, जो इंडस्ट्री प्रबंधन होता है, उनको भी हमने पाबंद किया है। ये पूरी खबर देखने के बाद अब आप भी समझ गए होंगे कि पुठौली स्थित जिंक के इस प्लांट से निकली 25 दिसंबर को गैस आज भी लोगों के जहन में डर बिठाए बैठी है, और लोगों को जिस तरह से मुआवजे का आश्वासन दिया गया है, लोगों को उस मुआवजे की भी उम्मीद नहीं है, क्योंकि ये पहला मौका नहीं है कि जिस तरह से हिंदुस्तान जिंक के प्रदूषण से लोग परेशान हों। बरसों से परेशान लोगों को अब यही उम्मीद है कि सरकार इस मामले में कोई जांच कराए ताकि लोगों को हिंदुस्तान जिंक के इस दमन से राहत मिल सके। कैमरा पर्सन चंद्रेश जैन के साथ पीके अग्रवाल, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, चित्तौड़।